नमस्कार एंड हेलो टू एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिली मशरूम की रेसिपी। अगर आपको मशरूम पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए है। रेसिपी अच्छी लगे तो कहीं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 पैकेट मशरूम लिया है एंड मशरूम को अच्छे से धो के उसको 2 हाफ्स में कट करेंगे। एंड वाटर के कांटेक्ट में आने के कारण मशरूम का कलर ब्राउन हो जाता है। कोटिंग के लिए मैंने लिया 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर एंड 3 बड़े चम्मच मैदा और हम इसे ड्राई कोट कर लेंगे अच्छे से। एक बार कोटिंग होने के बाद हम इसको डबल कोट करेंगे। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर एंड 2 चम्मच मैदा लेंगे एंड इसको हल्के हाथों से अच्छे से कोट कर लेंगे। हम यहाँ बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे जो मशरूम है हमारे अच्छे से कोट हो चुके, अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब एक छलनी ले लो, उसमें सारे मशरूम्स डाल दो और जितना भी एक्स्ट्रा फ्लावर है कोटिंग है उसको आप निकाल दो। इससे आपका ऑयल जो है खराब नहीं होगा, मशरूम भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। हाई फ्लेम पे मशरूम को फ्राई करेंगे 1 या 1.5 मिनट के लिए, ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमें डबल फ्राई भी करना है। मशरूम जो है ऑलमोस्ट हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल देंगे। अब हमें मशरूम्स को डबल फ्राई करना है। उसी पैन में हम ऑयल को गरम कर लेंगे एंड हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स और उसकी जो बाहर की कोटिंग है हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, तब हम मशरूम्स को निकाल देंगे। ये हमारे जो मशरूम से फ्राई हो चुके हैं, हल्का सा ब्राउन कोटिंग भी आ चुका है, अब हम इसको पेपर टॉवल पर निकाल देंगे। अब हम बनाएंगे ग्रेवी। एक बड़ा पैन लेंगे और पैन में हम लेंगे 3 बड़े चम्मच तेल का। हाई फ्लेम पे करेंगे सारी प्रोसेस। यहाँ मैंने डाला है स्प्रिंग अनियन, अदरक, लहसुन, चिली। ऑब्वियसली चिली मशरूम है तो चिली जाएगी इसमें और इसको हम 1 मिनट अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज कटे हुए और डालेंगे शिमला मिर्ची। इसे भी हम हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे, जब तक कि हमारे जो प्याज है हल्के से ट्रांसलूसेंट कलर के नहीं हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो मसाला है कुक हो चुका है, अब हम डालेंगे सॉसेस। पहले हम लेंगे 1/2 कप पानी एंड इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा विनेगर, 2 चम्मच सोया सॉस और इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। अब इसमें टैंगी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें डाली थोड़ी सी शक्कर। आप चाहे तो टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा नमक। सॉसेस में ऑलरेडी आपका नमक होता है तो ध्यान से नमक डालिएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें 1 और चम्मच सोया सॉस डाली और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर की स्लरी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें जो कॉर्नफ्लोर है उसे कुक कर लेना है अच्छे से। जैसे ही हमारी ग्रेवी थिक होने लगेगी इसमें हम डालेंगे क्या, मशरूम्स। अब मशरूम्स डालने के बाद हमको सिर्फ इसको हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए कुक करना है, नहीं तो जो हमारे मशरूम्स है काफ़ी सोगी हो जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे जो हमारे चिली मशरूम है वो रेडी हो चुके हैं, इसको गरम गरम सर्व करें। एंड रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ मैं आपसे मेरे अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।